ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर एक। दूसरी बात, अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस चुनाव, इस उपचुनाव में भी पराजित किया जाए। गाजियाबाद में रैली है, आप वहां मौजूद रहेंगे? देखिए ऐसा है, पोस्टर का जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कोई काम नहीं कर, भाई चुनाव में आपको क्या बताना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है, हमने इतना रोजगार दिया, इतना स्कूल बनाया, इतना अस्पताल बनाया, इतनी सड़कें बनाई, तो ये तो बताने के लिए है नहीं योगी जी के पास, तो पोस्टर वार में लगे हुए हैं, बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश को आज इस हालत में पहुंचा दिया है, थाने में मोहित पांडे की हत्या हुई, थाने में अमन गौतम की हत्या हुई, एक पूर्व फौजी को पीटा जा रहा है रायबरेली के अंदर, 27,000 सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं, 26,000 सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं, ओबीसी आरक्षण को आपने खा लिया जिसके कारण से नौजवान वो धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है कि हमारा आरक्षण हमको दिया जाए। तो ये पार्टी देश के संविधान को, आरक्षण को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बड़ी लड़ाई ये है। और इससे ध्यान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं, ना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके किसी भी नारे में फंसने वाला नहीं है, सब मिलके बीजेपी को हराएंगे। तो जो कह रहे हैं ना बटेंगे, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिना बटे बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पोस्टर में ये प्रकार हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे इस तरीके। देखिए ऐसा है, हिंदू किसको मानते हैं? ये रामनाथ कोविंद जी को हिंदू मानते हैं? देश के राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इनको मंदिर के शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती हैं, मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। किसको हिंदू मानते हैं ये? अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए पूजा करने पत्नी के साथ, तो उसको धुला गया गंगा जल से।